क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जवेरिया को लगता है डेली मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये देखें टेंपर टाइप की वाइब्स आ रही है। यहाँ पे जब से आए कोई तरक्याती नहीं है। यहाँ पे हम इंडिया से आए, दिल्ली से। यहाँ पे इंडिया से आए आप? जी हाँ, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में फराज खान में रहते थे, जामा मस्जिद पे। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बस आज तो ये मैं ठोकने लगा था गाड़ी। हाँ। और मैं अक्सर चांद को, हेलो अंकल, चांद ये हाय गाड़ी चलाओ कि मेरी अभी शादी है। चांद मैंने अभी बहुत कुछ करना है ना। बाल्मीकि श्री बाल्मीकि महाराज के नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये ना यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ पर हर फेस्टिवल पर आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, मतलब कंट्रीज कह रही हूँ, यहाँ से जो लोग हैं डिफरेंट फेस्टिवल की। जी कितने का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 50 का, कोई 50 का। चलो कितने का? ये वाली चटनी के साथ ज्यादा मिलेगा। बाद में हमें पैसे भरने पड़ते हैं। अच्छा, ईशा का हाथ में ही हो गया। यही है, यही है, पता नहीं ये बंद बंद क्यों होगा। वहाँ पे चल के देखते हैं। लेकिन ये बहुत, ये तो प्यारा है, काफी खूबसूरत है। लेकिन ये बहुत, एक मिनट भी, कोई एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे भी देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या। चलो आ गए भाई, आ गया दोबारा से। सीढ़ियाँ भी वैसी हैं। चलो लेकिन अब पूजा ऊजा नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये मंदिर अब हिंदुओं का नहीं ना, मुसलमानों का। मुसलमानों में अब अपनी इबादत, नमाजें पढ़नी, कुरान पढ़ना, ये करना वो बिल्कुल, वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इनसाइड रिएक्शन। लेकिन आज कोई रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि आज हमारा पहला व्लॉग है और पहले व्लॉग का पहला शॉट, मतलब मुझे लेना भी नहीं आता है, मुझे नहीं पता कभी कैसा आ रहा है। बट चलते हैं, आज हमने जाना है, बाल्मीकि मंदिर है अनारकली में। उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है और हमने देखा कि वो अभी खुला हुआ भी है। तो चलते हैं और फिर, बल्कि सबसे पहले ईशा और अलीजा से मिल लेते हैं। कैसे हो तुम लोग? आज हम एक ना नए काम के लिए निकलने लगे हैं। देखो क्या होता है। अच्छा, मुझे ये भी पता है आप लोगों ने बहुत कमेंट्स कर लिए हैं, इसका फेस इधर जा रहा है, इसका फेस इधर जा रहा है। लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस है तो पता नहीं कैसा होगा। अभी तो हमें खुद नहीं पता हम जा का, मतलब जाना कैसे, और हमें रास्ता भी नहीं पता, रास्ता भी नहीं पता है, हमने ढूंढना है। आप लोगों के साथ मिलकर ढूंढेंगे। हाँ जी, तो अब हम सब टीम मेंबर जा रहे हैं बाल्मीकि मंदिर, जो कि अनारकली में है। ईशा, अलीजा, फैसल, हम सब जा रहे हैं। अब चलते हैं और फिर बात करते हैं साथ साथ। हाँ जी, सही बात है, हैंडल कर सकती मैं एक टाइम पर। अच्छा, काम या फिर नींद? नहीं, जवेरिया अगर नहीं, ये सुबह को रख लेते ना। इसने लीजा ने वहाँ पे भी नहीं था ना, मगर जितना भी आप लोग इसे जितनी भी कॉल्स कर लो, ये कॉल्स ही नहीं उठाती, फुली इग्नोर कर देती है। मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है, मतलब अब मैंने यहाँ काम पर आना है ना, यहाँ पर मैं फुल फोकस करी, एक दफा मैं यहाँ सेट हो जाऊंगी तो फिर मैं वहाँ भी। अच्छा, मंदिर गई हो? बाल्मीकि मंदिर अभी तक आप गई हो? ईशा नेवर, नेवर। और चांद तुम गए हो? और आप गए फैसल? नहीं, मैं पहले नहीं गया। मैं भी नहीं गई। हम सब पहली बार जा रहे हैं तो। और मजे की बात ये है कि हमें रास्ते भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे अंदर गलियों के अंदर जाके, हमें कुछ आइडिया नहीं है। पूरा एक्सप्लोर करने जा, मजा आने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मजा आएगा। मैं अंदर से घुर घुर के खुशी। जैसे अनार के लिए तो हम काफी दफा गए, अनार के लिए तो रोज जाते हैं, मंदिर कभी नहीं गए। ये जो है ना जगह भाई, इतनी ये एक्सट्रीम किस्म की ट्रैफिक होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक सीन होता है, जवेरिया को लगता है दिल्ली मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बस आज तो बस कल में कोई ना कोई इधर जो है ना हमारा एक्सीडेंट कर देगा। हाँ, एक चौक सा जो है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी आ रही है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमें ठोकने लगा था गाड़ी। और मैं अक्सर चांद को, हेलो अंकल, चांद ये गाड़ी चलाओ कि मेरी अभी शादी है।
परेशान, मैंने अभी बहुत कुछ कर दिया। पहुंच गए लेकिन अभी भी काफी दूर है, 2 मिनट का फासला है। हमें पता नहीं है कहाँ है, हम बस उतर गए अभी ढूंढेंगे। अभी हम अभी खुद पे सेट कर रहे हैं बस, अभी जाना है हमने, फिर देखते हैं कि कहाँ पे पहुंचते हैं। हाँ हाँ, फर्स्ट बंदे का ऐसा ही होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो बना रहे होते हैं वो थोड़ा लेकिन सीख जाते हैं भाई, सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ। इम्प्रूवमेंट फिर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, बेस्टेस्ट ब्लॉग देंगे हम आपको, टेंशन नहीं लेनी बस। सारा कुछ एक्सप्लोर, अब हम निकल गए हैं ना, आपको वो चीज दिखाएंगे जो कभी नहीं देखी आपने। पता नहीं अभी किधर है, अभी बस कहीं ना कहीं, किधर है, इस गली में कह रहे हैं, देख लेते हैं, इस गली में जाके देख लेते हैं। इस गली में तो पास है। हाँ पता नहीं हम कहाँ कौन सी गलियों में आ गए भाई। बॉस किसी के घर से पहले खाना ना खा ले। अब भूख लग गई है मुझे। आज दोनों ने ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। मेरा भी ब्लैक पहने। हाँ ये हम कहाँ आ गए, ये हम कहाँ आ गए पता नहीं यार। इनको शॉपिंग भी ना करवा दे। कैसे आप? ठीक है, गुड, शुक्र है, ठीक है वो। कितनी खूबसूरत है ये बिल्डिंग। ओह नाइस, ये कहाँ, कौन सा है पता नहीं, देखते हैं। क्या एक दुकान छोड़ के कह रहे हैं वो है, तो एक से ज्यादा हो, मतलब तुम लोग एक दुकान छोड़ के चलो, जला भी नहीं जा रहा। कितनी कितने प्यारे कोट्स है ये है। ये तो है, यही है, पता नहीं ये बंद बंद क्यों होगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा, लॉक करें। आ तो हम गए हैं। कोई है? हाँ जी, अलीजा के पास तो माइक जा ही नहीं रहा है। देखने आए मंदिर, विजिट करने आए, थोड़ा सा ही देखना हमने अंदर से। यार ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे, क्यों? नहीं नहीं हो सकता, क्यों? थोड़ा सा हमने सिर्फ एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ी सी फुटेज लेनी है। मैं बताता हूं आपको, ज्यादा ये बंद कर दें। क्यों? वो हमारा चल रहा है, अब पता चल जाएगा कि क्यों हम म्यूजिक। हां इसके लिए ना आप ऐसा करें, आप इसका ना वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, ठीक है ना, वहां पे चले जाइए, वहां से आपको इसका लेटर मिलेगा। मतलब मंदिर ही तो है, ये चीजें मना है मैडम। मना क्यों है, ले आते हैं लोग, करते हैं नहीं, मतलब हमने वीडियोस देखी नहीं है ऐसी बहुत की। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता, कोई और नहीं है कोई अंदर से? ओके, दरवाजे नहीं, दरवाजे का मोए मोए प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या हुआ, ये हुआ क्या है, ये प्रोग्राम बढ़ा है पता नहीं। ये कह रहे हैं अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो अभी हमने ओपन नहीं किया हुआ, अगर आपने देखना है तो आप जो है परमिशन लेटर लो और फिर आप आ जाओ। इस तरह की अगर परमिशन, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो तो परमिशन लेटर की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, ये तो एक नॉर्मल सी, मतलब एक मंदिर है, आप जाओ, आप विजिट करो। और वैसे भी हमने जवेरिया देखा था कि हमने इनकी कमेंट्स देखे तो वो तो कह रहे थे यहाँ पर दूसरे विजिटर्स आते रहते हैं, फिर ये तो बड़ा अजीब सा एटीट्यूड था, बहुत अजीब सा था। मुझे लग रहा है शायद कुछ टाइमिंग वगैरह का इशू ना हो, ऐसे उसने बोल दिया। टाइमिंग है ना, टाइमिंग है, टाइमिंग है, सुबह आ जाए, सुबह
सुबह 9 बजे आ जाए, 8-9 बजे इनका ऑफिस से पता कर खुला। ऑफिस से ज़्यादा लेके आएंगे ना, आपने मूवी वगैरह बनानी है या व्लॉग बनाना तो उसमें उस तरह जा सकते हैं, उस तरह जा सकते हैं आप, जा सकते हैं उस तरह उनसे, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी इस तरह नहीं। अच्छा, अब अगर हम बगैर इसके आए तो हमें वैसे ही जाने देंगे सुबह जाने देंगे विदाउट कैमरा जाने देंगे। वो कह रहे हैं कि विदाउट कैमरा जाने देंगे। अब ये पता नहीं क्या है कि ये विदाउट कैमरा और कैमरे का क्या चक्कर है, ये बड़ा चक्कर होता है इधर भाई। हमें एक और मंदिर मिल गया है, ये देख लें आप, रतन चांद मंदिर है। अब यहाँ पे चलते हैं फिर देखते हैं, पता लगे यहाँ पे भी हमें एंट्री ना मिले कि नहीं। बेटा आप लोग ऐसा करो, आप जाओ, बाय बाय। 1.2 किलोमीटर, हाँ 17 मिनट, 1 किलोमीटर, चलो 1 किलोमीटर अपन चलेंगे, 1 किलोमीटर जाना है हमने, क्योंकि हमारा जो पहला वाल्मीकि मंदिर था यार, इतना वाल्मीकि मंदिर मतलब इतना एक वो है कि अनारकली में ये है और बड़ा मशहूर है, लेकिन और अच्छा यार हम मतलब कमेंट्स वगैरह रिव्यूज पढ़ के आए हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी हमें पता चला अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जाने भी नहीं दे रहे, और 9 बजे आएंगे तो जाने देंगे, बट ये कौन सी वैसे, ये कौन सी बात है, 9 बजे भी विदाउट कैमरा वैसे नहीं ना। वाल्मीकि श्री वाल्मीकि महाराज के नाम पर ये मंदिर बना हुआ है, और ये ना यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वहाँ पर हर फेस्टिवल पर आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से मतलब कंट्रीज कह रही हूँ, यहाँ से जो लोग हैं डिफरेंट फेस्टिवल ईद वगैरह पर भी यहाँ पर आते हैं, और ईद मिलादुन नबी भी यहाँ पर मनाई जाती है। नाइस, मतलब तुम्हें सारा पता है। हाँ मैं सारी सर्च करके आई थी, उन्होंने मोए मोए कर। अच्छा यहाँ मैंने ना जितना आपको बताया है, बाकी मैंने कहा था कि अंदर जाके हम देखेंगे कैसा है, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के पंडित भगत लाल से हम मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ हुई नहीं। मैं बहुत सैड हूँ, मैं जब निकली थी मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं, मुझे इतना बुरा लगा उस बंदे ने, वो दरवाज़ा ही मुँह में देके मारा है कि नहीं मतलब की नहीं है हमारी, पानी पूछ लेता, पानी उसने पानी पूछ। अच्छा ईशा के ना खाने पीने के प्लान थे वो सारे बढ़ गए भाई, अभी ना कुछ भी लोग से बात ये कहेंगे कि ईशा को बस खाने की पड़ी रहती है। भाई ईशा को लगती है ज्यादा भूख, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगती है। फैसल भाई किधर चले गए हैं? फैसल भाई मंदिर ढूंढ रहे हैं हमारा। हाँ वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये रहे, मिल गए मिल गए। अभी ना गाड़ी कहीं जाने वाली थी, गाड़ी कहीं जाए, गूगल का कुछ हुआ, कभी किसी गली में भेज रहा है, कभी किसी गली में भेज रहा है। कितना कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल लेते हैं। अच्छा यार इन्हें ये खिलाओ। अच्छा आप लोगों के ना वो बड़ा भाई जाओ, बन जाओ तुम बनो। हाँ जी, कितने का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 50 का, कोई 50 का एक नहीं भाई, हम आपकी है, आपकी है, हम बेच लें थोड़ी देर भाई, वो कह रहे हैं बेच लो। बॉलीवुड वो तो नहीं है, वो देखे वो क्या है, वो देखे मस्जिद है, वो देखे वो देखे ये तो गया, ये तो गया। हम कहते हैं हम बच्चे, कोई और बच्चे ना बच्चे, हम भी पहले की पहले तो हम इतने पागल सड़कों पे निकल आए। हां जब जिंदगी का सवाल आता ना तब अपने आगे कोई भी नजर नहीं। हां फिर बंदला मस्जिद लगती है देखो। हां मुझे भी मस्जिद लगती है, मस्जिद लगती है, मतलब एक मंदिर हमने ढूंढना था हमारा म्यूज। अच्छा ये साइड से दिखाओ, बहुत खूबसूरत है, उस गेट से निकलना है और फिर आगे चलना। अच्छा म्यूज हॉस्पिटल के उस गेट से बाहर जा रहे हैं इधर से, भाई एक मंदिर से तो हमारा हो गया है कि नहीं वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, दूसरा मंदिर अब हम जाके देखते हैं कि
यहाँ पे एंट्री होती नहीं होती, पता नहीं क्या हमारे हम इतना चल रहे हैं तो बस हम ये चाहते हैं एंट्री हो। और ईशा के साथ ना वैसे भी बहुत बुरी है, ईशा गई थी यूनिवर्सिटी और मैंने गई थी, मुझे पता था आज हमें मंदिर ढूंढना है और आज कोई ना हमारे साथ मसला हो ही जाना है। और मतलब मेरी टांगे थक गई है भाई, टांगे थक गई है। ये देखा अंदर आने का रास्ता, यहाँ से हम बाहर ये पूरा हमने क्रॉस किया है, पूरा हॉस्पिटल हमने क्रॉस कर लिया है एक मंदिर ढूंढने के लिए, एक मंदिर ढूंढने के लिए सिर्फ। मतलब बहुत गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे बॉयज मिलेंगे आपको बाहर गर्ल्स हॉस्टल। यार मेरा फोन मुझे वापस ला दो कहीं से, फोन नहीं मिल रहा। फैसल भाई आ गया, यार पता नहीं कितनी नोटिफिकेशंस आ गई होंगी। मेरा तो कितना क्यूट है, डर तो लगता है ना भाई। बस देखिए मैं फिर चलूं। इन दोनों का कोई ना कोई सीन। ईशा ईशा, अगर लोगों को पता लग गया ना तुम्हारा सीन है, उन्होंने मर जाने। भाई नहीं है, मैं सिंगल हूं। उन्होंने कहने है कि ईशा ईशा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें, ये क्या कर दिया आपने। हाँ जी मैं पकड़ लेती हूँ फोन। मेरा फोन नोटिफिकेशंस तो आई है काफी ज्यादा, कुछ पता तो नहीं लगा। बहुत सारे रात गुजर गए, अल्लाह। 4 मिनट की वॉक है, जरा जल्दी पहुंच जाओ। 4 मिनट की और मजीद वॉक है, मतलब 1 घंटे की वॉक हो गई है। हां, अगर उन्होंने भी एंटर ना होने दिया ना भाई, हमारा तो गया। पता नहीं फिर क्या ही होगा, दो सौ मीटर है लेकिन मसला तब होगा अगर हमें एंटर नहीं होने दिया दोबारा से। बस वो पढ़ली गली वो जो कह रहे हैं ना वही हमने करना है, जहाँ भी लेके जाएगा पहुँच जाना है। दिखा दो नहीं ये नहीं होगा। पूछ लेते हैं अंदर लेकर जाएंगे हम कब। ये एक बच्ची मिली है हमें, ये अब हमें लेकर जाएगी। किधर जाना आपने? आ गई है। मतलब ये घर है इनके। सॉरी बट हमने बस मंदिर जाना है इस वक्त।
गलियां नहीं और धोबी घाट धोबी घाट और मूवीज में नहीं दिखाते थे कि हां धोबी घाट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे सारी माइनॉरिटीज ही रहती हैं जहां तक मेरा ख्याल है आई एम नॉट श्योर हां ये देखो हां कौन सी मूवी में होता है गलत बताने वाली बच्ची कौन है हम सबके साथ फिर से मोहमय हो गया टूर गाइड बहुत ज्यादा हो गए हैं अब किसकी सुने किसकी ना सुने छोटे छोटे टूर गाइड है हमारे पास अब हम गूगल से आ गए हैं बच्चों के ऊपर भाई लाहौर ऐसे तो नहीं मशहूर के लाहौर वाले गलत रास्ता बताते हैं किए जा रहे हैं रतन चौक मंदिर मंदिर तो बाहर है बाहर है हमारे साथ मोहम्म कितने किया है किधर किधर अच्छा ओ नहीं यहाँ सर ये पाकिस्तान बनने के पहले का है पाकिस्तान बनने के पहले का जी जी बड़े बड़े प्यारे की ये जरा रेंट वो दिलवाए यहाँ पे जब से आए कोई तरक्याती नहीं है यहाँ पे हम इंडिया से आए दिल्ली से यहाँ पे इंडिया से आए आप जी हाँ दिल्ली से अच्छा दिल्ली में कहाँ रहते थे दिल्ली में फराज खान में रहते थे जामे मस्जिद पे जामे मस्जिद में रहते मुसलमान मुसलमान है हाँ, तो यहाँ पे कब आए आप 46 में आ गए 47 में आ गए जंग कब जब जंग 1947 आजादी के वक्त आए थे मैं 2 साल का था मैं 2 साल का था बड़े हमारे अच्छा वो आए थे क्या बात है इनको ना पता नहीं लग रहा है कि हम बड़े कोई अंग्रेज फिर टाइप है पहले अंकल ने कहा कि हु इज दिस हु इज और फिर अंकल ने कहा कैन गो यार देखो अंकल मतलब अंकल ने वो सारा वो सब कुछ देखा होगा सेपरेशन वगैरह नहीं वो कह रहे थे कि वो सिर्फ 2 साल के थे छोटे से थे वो अभी जवेरिया याद नहीं होगा लेकिन फिर भी हां जमाने के अंकल में ये बात भी है कि ना जो लोग होते हैं जैसे उन्होंने हमारे मुंह पे दरवाजा ही मार दिया लेकिन इन्होंने हमें बताया कि ये हम यहां पर आए हुए हैं और ये 100 साल पुरानी जगह है इस तरह की चीज बता रहे थे ये अब कोई हमें सच्चे बच्चे मिले सच्चे बच्चे मिल गए हमें प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से अभी आप सलाम कर लो सलाम 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 चलो अभी आप भी करो ईशा के पीछे वालेकुम अस्सलाम सलाम किसका हिंदू का मंदिर है ना ये मंदिर है मंदिर में आ गया आई थिंक यही है हो सकता है कि यही है यही लग रहा है ये मुझे मंदिर लग सुन रहा है ये तो मस्जिद है मस्जिद है अगली हम मंदिर सुने थे मस्जिद में आ गए मस्जिद ये हम कहाँ आ गए हैं चुप करो यार तुम्हें शर्म आ रही है जान फजूल बातें करवाओ इनसे किधर नीचे जो बरामदा है ना वो कह रहे हैं वही है एक और मंदिर है उसमें भगवान बना हुआ है अच्छा ये है ये मंदिर है ये है मंदिर कहाँ से ये देखिए टेंपल टाइप की वाइब्स आ रही है लोग ऊपर चढ़ के भी लेते तस्वीर
बरामदा ही है वहाँ पे चल के देखते हैं। लेकिन ये बहुत, ये तो प्यारा है, काफी खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत, एक मिनट रुको, एक मिनट यहाँ पे भी देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टेयर्स है। ओ नाइस, इनके मोहल्ले में दो ब्लॉगर रहते हैं ये मैं बता रही हूँ। चलते हैं चलते हैं। हाय हाय, अच्छा जी ठीक है, आपने मुझे बता दिया है। ओके, बच्चे थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव प्रो। पता नहीं मतलब काफी घर या मंदिर है या घर है क्या? ओके ओके, किधर आ गए हैं? बहुत अंधेरा, अंधेरा बहुत है इस वक्त। ओ अंधेरा सही है यार, फन कहाँ पे आप बताओ। अब दोबारा से सीढ़ियाँ आ गई हैं। अच्छा दोबारा तो अंधेरा नहीं है ना अंदर? ओह नाइस नाइस, ईशा सोचा था ऐसा होगा यार, मतलब मुझे वो वाइब आ गई तेरी चाहत। पंडित तो नहीं, पंडित इधर नहीं मिलेगा, वो जो उनके भगवान होते हैं वो हो सकते हैं, उनके पिक्चर्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी चलेगा। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कैसा होता है, मतलब अभी तक हमें इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई कि हम मंदिर में। हाँ, मंदिर वाली वाइब नहीं आई है अभी तक हमें, अब पता नहीं। तीसरा मंदिर आज का जहाँ पे हम जा रहे हैं, मतलब तीन तीन मंदिर एक दिन में हमें देखने हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट वाइब जो हम चाहते हैं वो शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। भाई बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। और वो रामचंद्र नाम था ना उसका, रतन सर, छत पे, मतलब घर के अंदर जो मंदिर होते हैं वो? नहीं नहीं घर के अंदर नहीं, छत पे आज की बात है। चलो आ गए भाई, आ गए दोबारा से सीढ़ियां भी वैसी हैं। चलो चलो नीचे। हाँ जी, बात ये है कि जनाब ये मैं भी एजुकेशन में हूँ, लेकिन अब पूजा ऊजा नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये मंदिर अब हिंदुओं का नहीं ना, मुसलमानों का है। मुसलमानों में अब अपनी इबादत, नमाजें पढ़नी, कुरान पढ़ना, ये करना वो बिल्कुल, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है जेरी, वो पूजा पाठ उनकी हो गई। कोई तस्वीर नहीं, पहले होती थी ना बुतों की बनी हुई होती थी, कोई शेर की, कोई ओए इधर उधर इधर यार इसकी अंकल ने अच्छे वाला डाना है उनको। वो बेटा वो ये है, तब पहले उनकी होती थी, वो बने हुए
कोई पत्थर से उन पे वो मीना खारी होती थी, शेर बना हुआ है, कोई वो तो बना हुआ है। अब तो यहाँ बिल्कुल भी एक चीज भी नहीं है, वो बिल्कुल भी। अब तो सिर्फ ये है कि दे लो यार कुरान खबर और नमाज की जगह बनाई, जो इधर ये होगा वो होगा, क्या रह रहे हैं, रह रहे हैं, नहीं नहीं रह रहे हैं घर में, घर देख लो आगे आई जाए आई जाए, नहीं 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 वो जो छत पे कह रहे थे कि छत के ऊपर, नहीं 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 छत के नहीं, वो सब वो रिहायश ही है सारी, मतलब ये मंदिर को रिहायश में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट कर दिया, अब रिहायश में कन्वर्ट हो गया। तो जो राम चंद्र मंदिर है वहाँ पे, रतन चंद मंदिर है वहाँ पे था, रतन चांद मंदिर, एक मंदिर इधर है उसके अंदर, ये ऐसे जाओगे ना बास वाला बाजार, वाल्मीकि मंदिर नहीं, नहीं। वो तो जैन मंदिर तो उधर है अनारकली, तो ये जब वो तहरीर चली थी ना मस्जिदों की, जो उठाई थी वो थी, तो इधर वो ये बना हुआ था, ये सुकून जा रहा है ये वाले, तो यही मंदिर था और अभी घर बन गया, अब वो घर बन गया उन्होंने खा लिया, ये सारा कोई ये फैमिली अब रहती है यहाँ, ठीक है। अरे एक मंदिर उधर है, अगर उधर देख लो, अगर तुम्हें आपको कोई मालूम बात करनी है ना जरा, आपने हिस्ट्री दिखनी है, हिस्ट्री दिखानी है, सब्जेक्ट होता है ये, काम के लिए क्या देखा क्या नहीं, तो मैं आपको बताऊँ ना कि आप इधर से जाएंगे सीधे बादशाह को गुजार दें, चल चल ये सीधे बासाला बाजार में जाओगे ना, जाओगे ना उसके अंदर एक मंदिर है, अब उधर का नहीं पता कि उन्होंने है रियाई थी कि वहाँ कोई चीज़ें आपको मालूम आपके लिए मिल सकती है या नहीं मिल सकती। थैंक यू सर, अब नेक्स्ट ईयर पे अंकल जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत स्वीट थे यार, बहुत स्वीट थे, उन्होंने हमें बताया है कि ये रिहाइश में कन्वर्ट कर दिया हमें, अंकल वैसे स्वीट है ना, ये किस तरह भी है मेरी अभी तो मालूम नहीं है, अच्छा मैं पूछा तो कहते हैं आपने कितनी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई है, ईशा कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जरियां कराई है, हाँ। अच्छा वैसे देखो हम वैसे खूबसूरत है, लोगों को लग रहा है प्लास्टिक सर्जरी कराई है, मेकअप भी थोड़े थोड़े किया आपके सामने, एक वो है किधर किधर ये मंदिर है, ये तो मुझे वो लग रहा है सिर्फ इससे, अच्छा लाहौर म्यूजियम चले जा, लाहौर म्यूजियम चले जाए, इतनी मूर्तियां है उधर, हम मूर्तियां देंगे, हम हाँ कह रहे हैं वहाँ चले जाओ लाहौर म्यूजियम चले जाओ, वहाँ मूर्तियां दिखेंगी आपके पास, बच्चे बहुत तेज हो गया पीछे ही छोड़ रहा, फिर वही पूरा रास्ता है, वही दोबारा से क्रॉस करना पड़ेगा, वापस वहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन यार लेकिन मैं अपनाइए तो नहीं होना, अंकल चमहट खा रहे हैं तुमने, अच्छा शीतला मंदिर देख के आई हूँ, वो किधर है, वही वाला जहाँ वही पे तो गए थे हम अभी, नहीं नहीं वो आ गया शीतला मंदिर, कितने दूर, आप लोगों को क्या मिल रहा है हमारे साथ, अमेरिका से आएंगे, नहीं करते यार अनारकली में बहुत ज्यादा बाहर के लोग आते हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह काफी आते रहते हैं, तो लोगों को आइडिया है, उनका जरा दिमाग खुला हुआ है, बट पूरा दिन हो गया है, पूरा दिन हमारा गुजर गया है कि हम मंदिर की तलाश करें कि कहीं मिल जाए, थोड़ा मतलब कुछ भी मिल जाए यार, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है अभी तक, प्रॉपर जो होता है ना कि प्रॉपर वो नहीं हमें मिला है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जवेरिया जो है ना वो बाइक्स और गाड़ियों से 5-7 दफा बच चुकी है, 6-7 जिंदगियां दोबारा वापस आ गई, ये जगह भी बड़ी प्यारी शॉप है भाई, आठ आठ तो है फिर यहाँ पे आठ है,
पूरी जगह हमने देख ली है। हम तीन मंदिर गए हैं, सबसे पहले एक वाल्मीक मंदिर था, फिर उसके बाद हम एक और मंदिर गए हैं, फिर हम तीसरे मंदिर भी गए थे, लेकिन जहाँ पे भी लोगों की रिहाइश थी। और जो दूसरा मंदिर था वहाँ पे भी लोग रह रहे थे, जो बीच में जो था ना पोर्शन, वहाँ पे भी लोग रह रहे थे। और वाल्मीक मंदिर वालों ने तो हमें एंटर ही नहीं होने दिया, उन्होंने कहा नहीं दरवाज़ा वो बंद किया है। तीसरा मंदिर जो था वहाँ पे कोई था नहीं ऐसे, मतलब मंदिर का कुछ भी नहीं था वहाँ पे, नहीं भी नहीं था। तो मतलब उन्होंने ना रिहाइश में कन्वर्ट हो गया है, तो पता नहीं, देखते हैं किसी और दिन देखते हैं अगर दोबारा मिलते हैं। लेकिन ये तीनों थे जो कि लग नहीं रहे कि ये तीनों थे, बट ये तीनों थे। हमें तो वाइब नहीं आई, लेकिन वाइब नहीं आई, ऐसा लगता है कि बाकी थे। मतलब आप लोग जाते रहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा यार। नहीं लेकिन कोई था ही नहीं ना, वो कोई नहीं था, कोई मूर्ति हो कुछ तो हो ये, मतलब मेरे क्या मतलब मन आज का पूरा दिन हमने भाई एक्सप्लोर किया है अनारकली को, इधर उधर सारी जगह। एक मंदिर है जैन मंदिर, उसका नाम है, वो हमने अभी तक नहीं किया एक्सप्लोर, लेकिन वो मैंने देखा हुआ, वो मैंने पहले ही देखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ से भी नहीं देखा। ये बुक्स वैसे तो हर संडे संडे को, ये कब कब लगती है अंकल ये बुक्स किताबें? लेकिन पहले होता था कि सिर्फ इतवार इतवार को होती थी। भाई आ गए, हम दोनों आ गए, चलो चलें चलो चलें, अब बस जाने, बहुत लेट हो गया है। अब हम जाएंगे और थोड़ा सा सुकून करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर किताबें मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। पहुँच ही गए हैं हम, पहुँच गए हैं आके। और ईशा के लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल था भाई, ईशा भी थे। हाँ ईशा ने पूरा अपना कल्चर डे भी किया था। सुबह कितने बजे उठी थी? सुबह 8 बजे उठी थी। हाँ। और तुम कितने बजे उठी थी? से उठ के मैं उठी हूँ, सवा चल रही हूँ अभी से चल रही हूँ। यार बंदी की हिम्मत है, अभी क्या टाइम हुआ है? 6:50 हो रहे हैं और मैं उठी 1:15 बजे। इतनी लेट? मैं उठी थी 9 बजे, मैं 9 बजे उठी थी। आपने कहीं जाना था? मैंने मामा के साथ जाना होता, उनका हॉस्पिटल में कुछ काम चल रहा है, मुझे कहीं जाना नहीं ना। हाँ जाना भी, हमें सोई रहती बस। और हम लोग तो थकी थकी हैं, साथ में फैसल फैसल बहुत थक है। अच्छा फैसल भाई एक बात है, हम पीछे रह रहे थे, मुझे आकर मेरा इंतजार करते हैं, फिर हम वहां पे पहुंचते हैं, फिर वो चलने लगते हैं। पता नहीं क्या है, मतलब टांगे तो ज्यादा लंबी हैं क्या है, खड़े हो जाते हैं जाके तू। अच्छा हमारा एक दोस्त, उसकी टांगे इतनी लंबी लंबी हैं, वो भी इतनी फिर आगे जाके खड़ा हो जाता है, आधी आधी टांगे काट फिर आगे। भाई बहुत टाइम लगा है आज, बहुत टाइम लगा है। मैं कुछ था, गए कहीं से, फिर कहीं से कहीं जाते गए, फिर आवाम हमें लाहौर वाली कहीं से कहीं किस गली में डाल दे, कभी किसी छत पे चढ़ा दे। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा मंदिर तो हम विजिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों के घर विजिट कर रहे हैं, मतलब सीढ़ियां चढ़ के। अच्छा सबसे ज्यादा मजे की बात वो अंकल की थी, अंकल ने किस तरह हमें गाइड किया, और पहले अंकल ने किस तरह हमें गाइड किया, उन्होंने छुपा करके दरवाजा था। अब बड़े प्यार से कहते हैं कोई है, कोई नहीं आएगा, चलो वकील। भाई बहुत मजा आया, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं है। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह के अगर मजीद व्लॉग्स आप लोगों को देखने हैं, आप लोगों को हमारी डेली रूटीन देखनी है कि हम क्या करते हैं, या हम क्या क्या फूड ट्राई करते हैं, या जो भी आप लोगों को चीज़ पसंद है तो हम व्लॉग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।